तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द हर्ष टैग पे। तो आज हम बात करेंगे कि एनडीए का जो फॉर्म होता है उसे कैसे भरा जाता है। तो बहुत लोगों से दिक्कत ये आ रही है कि लॉकडाउन चल रहा है और लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो फॉर्म भरने में बहुत ही डिफिकल्टीज हो रही है। तो उसको मैं आज आपको दूर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे NDA 2021 हो या फिर 2020 जितना भी हो, सबका मैं फॉर्म सेम बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी भरो या बाद में भरो। बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपको एक अपने डॉक्यूमेंट का एक फाइल बना लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड वगैरह यहीं पे डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे मौजूद है, और आपको भी ऐसे ही बना लेना है। तो आप ऐसे बनाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा प्रोसीजर, पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप देख रहे हैं द हर्ष टैक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले अपने ब्राउजर को खोलें। ब्राउजर पर लिखें सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट लिख के आ गया है। और यहाँ पे आप फर्स्ट वाले लिंक पे जाएं और सबसे नीचे जाएं और यहाँ पे देखें यूपीएससी NDA 2 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाके आप देख सकते हैं जो भी फॉर्म आया हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें एनडीए वाले फॉर्म में मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको सब कुछ नहीं करना, सबसे ये सब आप एलिजिबिलिटी देख लें कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कब क्या होगा, कब फॉर्म भरना है, कब तक डेट है, ये वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वगैरह, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो हाउ टू फिल वो तो मैं आपको बता दूंगा। आपको नीचे आके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो क्लिक हेयर पे खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कराने पहले दोस्तों पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दे, तो क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। और स्क्रॉल करने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे यस का ऑप्शन है, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, तो इसको एंट्री कर लें। और नेम दोस्तों आप ऐसा चूज करें कि जो आपके 10th के जो पे मार्कशीट था उसमें हो। फिर यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ और ईयर, और यहाँ पे मम्मी का नाम, पापा का नाम यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे वो भी आपको जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट में होगा वैसे यहाँ पे लिख देना है। लेकिन आपको श्रीमती या फिर डॉक्टर वगैरह का जो यूज करते हैं वो यूज नहीं करना, सिंपल नेम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे इंडियन और अनमेरिड ही होगा। यहाँ पे कम्युनिटी, समुदाय वगैरह यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसे कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, क्या हो। यहाँ पे अगर आप ओबीसी में आते हो तो यहाँ पे आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पूछा जाएगा। तो आप क्रीमी लेयर में हो तो क्रीमी लेयर, नहीं हो तो माइनॉरिटी में हो तो नहीं, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा, और नहीं बाकी जो है आप भर सकते हो। SC ST का भी यही प्रोसीजर रहेगा। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो आप अगर 12th में हो, अगर 12th में हो और आपके पास कॉमर्स है या फिर कोई और सब्जेक्ट है जो साइंस सिस्टम से हटके है, तो आप फर्स्ट वाले को चूज कर सकते हो। तो 12th पास आउट हो और आप साइंस थी आपके पास, तो आप सेकेंड वाले यूज कर सकते हो। अगर अपियरिंग में हो, 12th में हो, तो अगर आपके पास PCM नहीं है, साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो आप यहाँ पे थर्ड वाला चूज कर सकते हो। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आप लास्ट वाले को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, मतलब यहाँ पे एक लाइन में एड्रेस नहीं करना है, आपको दूसरी लाइन का भी यूज करना है, तीसरी लाइन का भी यूज करना है, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एड्रेस लाइन 1 में भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेना है स्टेट का, और यहाँ पे अपना मतलब इस सिटी का नाम डाल लेना है, और यहाँ पे पिन कोड, माफ कीजिए 1 रह गया। यहाँ पे अपना फोन नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस 2 बार डालना है। एक बार यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है और एक बार आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। और यहाँ पे फिर आपको डालना है अल्टरनेट, मतलब कोई और यहाँ पे तो सेम जाएगा, और यहाँ पे कोई और अल्टरनेट डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो मैं ये सब एंट्री कर लूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करके आपको भी कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए
तो दोस्तों उत्ता करने के बाद आपको ये कुछ इंटरफेस मिलेगा देखने को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सा आइडेंटिटी कार्ड लगाओगे। यहाँ पे स्कूल कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी इशूड सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो वोटर आईडी, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड चूज करूंगा। यहाँ पे कार्ड नंबर, जो भी कार्ड पे नंबर लिखा होगा, यहाँ पे कंफर्म फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो पहचान की संख्या जो होती है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे आप किसको पहले प्रिफरेंस दोगे, 1 2 3 करके आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सेना में जाना है तो आप इसको 4 1 नंबर दे सकते हो, नौसेना में जाना है तो 2 नंबर, ऐसे ही आपको इसको पूरा फिल करना है। वेदर स्टूडेंट सैनिक, अगर आप सैनिक स्कूल के हैं तो यहाँ पे हाँ कर सकते हो, नहीं है तो नहीं। आपके पापा JCO हो, NCO हो, अदर रैंक पे ऑफिसर हो यहाँ पे मिलिट्री में, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं सर, आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सब डाल लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। और यहाँ पे अगर सुधार करना चाहते हैं तो सुधार अभी हो सकता है। तो पहले आप यहाँ से चेक कर लें कि सब चीज़ आपका सही हो। तो चलिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मुझे इसमें कोई सुधार नहीं करना है, मेरा सब चीज़ सही है। दोस्तों अभी चेक कर लेंगे तो तुरंत सही हो जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं ये कैप्चा जो है यहाँ पे लिख के मैं आगे करके आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए मैं इसे लिख लेता हूँ। तो ये है L3, L कैपिटल वाला है, यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा है तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। और यहाँ पे अब आया 1414 और सब कैपिटल में है, तो BH4X, तो यहाँ पे 4 और X कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मतलब इसमें ये कह रहा है कि मैं सहमत हूँ, मेरा मतलब पूरा सब सही है, तो मैं यहाँ पे एग्री कर लेता हूँ। एग्री करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा नाम वगैरह आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट स्लिप करा सकते हैं आप, प्रिंट ये ले सकते हैं आप, कि नहीं तो आप यहाँ पे एक स्क्रीन वो ले ले सकते हैं आप, इस SS ले सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लेके सेव कर लें। सेव कर लेता हूँ कि आगे चल के हमारा बहुत ही काम आने वाला है। अब यहाँ पे मेरा पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट स्लिप कर लूँ, क्योंकि वो भी फ्री है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं, अपने अपने लैपटॉप में रख सकते हैं। लेकिन रहेगा वो सेम चीज़ जैसे मैंने वहाँ पे अभी SS ले लिया था। तो चलिए इसको हटाते हैं, छोड़िए इसको। चलिए प्रिंट कर ही लेते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। हम NDA एस्पिरेंट से यहाँ पर कुछ नाम दे दें, NDA फॉर्म, और यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। तो हम चलते हैं पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ आपको इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऐसा, अब पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID जो है हमारा उसे लिखना है, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे ये कैप्चा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये मैं लिख लेता हूँ सुरक्षा पर्पज से छिपा के।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे खुल चुका है मेरा, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको जिससे भी पेमेंट करना हो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे वीजा और मास्टर कार्ड का यूज करके यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट का बटन दबा देते हैं और उसको देखते हैं क्या इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपना सब डालिए, 100 रुपये भी कटेंगे आपके अकाउंट से। तो दोस्तों मैं ये सब डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोसीड करके आपको पहले पेमेंट कर लेना अब है यहाँ पे आप दोस्तों। देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा पेमेंट वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े, कंटिन्यू आगे बढ़े। यहाँ पे हमारा फोल्डर वगैरह जो मैंने रखा था उसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए चूज फाइल कर लें, और यहाँ पे हम चल लेते हैं हमारा ये फोल्डर में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट ने बना रखा था। अब यहाँ पे मेरा फोटो है जो इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा ये अपलोड होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर जो है हमारा उसको यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर का भी होगा, ये हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे डाल लिया मैंने। अब यहाँ पे है आइडेंटिटी कार्ड, जो मेरा आधार कार्ड है उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड भी हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर लें। फाइल फॉर्मेट अलाउड इन साइन अप, प्लीज अपलोड द इमेज इन जेपीजी फॉर्मेट। यहाँ पे मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं लेता है आपको यहाँ पे, मतलब फोल्डर यहाँ पे आप पीडीएफ में नहीं रख सकते, आपको जेपीजी वगैरह में ही करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप जाएं, और यहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि आपको ये पूरा बताएगा कि आपको ये कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ये सब बता रहा है, वो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको मैं भी करता हूँ अभी, पूरा चीज फोटोज वगैरह आप जेपीजी और पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज वगैरह मैंने डाल चुका हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मेरा अपलोड हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका फोटोज वगैरह सही है, आधार कार्ड वगैरह सही है, तभी आप इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मेरा तो सब सही है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटिन्यू हो चुका है। फिर से ये मुझे आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है मुझे, और फिर यहाँ पे हमें डालना है एग्जामिनेशन सेंटर। तो पहले सेंटर डाल दो, एग्जाम आईडी डाल के आप यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इतना करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो पहले एग्जाम सेंटर में यहाँ पे बरेली डाल दूँ, क्योंकि मैं बरेली है दोस्तों। आप भी चूज करें तो अच्छे से चूज करें, और पहले शुरू में ही अपना फॉर्म डाल लें, नहीं तो फिर आपको मनचाहा सेंटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई एग्जामिनेशन सेंटर आर नॉट अवेलेबल। अगर रेड कलर का यही हमें रेड कलर का आ जाता है तो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो अभी आ रहा है मेरा एग्जामिनेशन सेंटर, तो मैं यहाँ पे बरेली डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड का वो डाल दूंगा कि मेरा आधार कार्ड का क्या नंबर है। तो दोस्तों मैं नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आपको शो कराता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देख लेना है ये वगैरह, उसके बाद आपको सीधे नीचे आना और यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे डोंट एग्री और सहमत हूँ। तो यहाँ पे आपको सहमत है, आप यहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री कर देना है आपको। इसके करने के बाद आपका ये फॉर्म पूरा भर चुका है। तो मतलब कि आपका एनडीए का फॉर्म पूरा भर चुका है। आप यहाँ पे ये प्रिंट जो आपका एप्लीकेशन है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली एप्लीकेशन अपने सफलतापूर्वक अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। आपको एडमिट कार्ड का वेट करें, और यहाँ पे आप जरूर से प्रिंट निकलवा लें ये। इसको मैं कट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और वगैरह सब डाल के ये प्रिंट ले लें, क्योंकि ये बहुत काम आता है आगे चल के। तो दोस्तों तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।